आज जो आपका टॉपिक है, आज आपका टॉपिक है सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान। देखिए, आपकी पूरी किताब का नाम ही है सामाजिक अनुसंधान। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, क्या है ये सामाजिक अनुसंधान और इसे हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान की बात करें तो सोशल रिसर्च दो शब्दों से बना है, सोशल प्लस रिसर्च। सामाजिक प्लस अनुसंधान प्लस अनुसंधान। पहले इन शब्दों को हम जानेंगे, इनका मतलब क्या है। देखिए, सोशल मतलब सामाजिक, अगर हम कहें जो समाज से संबंधित होता है। सोसाइटी हम लोग जाते हैं, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारे आमने सामने के संबंध होते हैं, हम लोगों से परिचित होते हैं, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। जो सोसाइटी से संबंधित होता है उसे सोशल बोला जाता है, सामाजिक। कई बार हम किसी लोगों के लिए कहते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई। ध्यान देना, कई बार कुछ स्टेटमेंट कई न्यूज चैनल में कई अखबारों में हम पढ़ते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की। असामाजिक तत्व इसलिए बोला जाता है कि वो सामाजिक नहीं होते, सोशल नहीं होते। सोशल नहीं होते मतलब कैसे? मतलब जो हमारे समाज में नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, वो उनका पालन नहीं करते, जानबूझकर उनका उल्लंघन करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, चोर क्या करते हैं? चोर चोरी करता है, ठीक है, चोर चोरी करता है। क्या हमारे समाज ने हमें चोरी करना सिखाया है? चोरी करना क्या है? गुनाह है, अपराध है, जिसके लिए हमारे कानून प्रशासन में सजा की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार की सजा चोरी होती है उस प्रकार की सजा निर्धारित की जाती है जज के द्वारा। कहने का मतलब, जो व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है, उन पर नहीं चलता है, उसको असामाजिक बोला जाता है। असामाजिक, सामाजिक बोला जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज में रहते हैं, समाज के नियमों कानूनों का पालन करते हैं, उसे हम कहते हैं सामाजिक या सोशल। सोशल रिलेटेड टू अवर सोसाइटी, जो हमारे समाज से संबंधित होते हैं। अब आता है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक समझ में आ गया, सोशल किसे कहते हैं। अनुसंधान बोलते हैं हम रिसर्च को। व्हाट इज रिसर्च? जब हम किसी विषय के संबंध में जानते नहीं है, मुझे नहीं पता कि कोई, जैसे अगर हम इसको एक उदाहरण से समझाऊंगी आप लोगों को, कोरोना वायरस जानते हैं आप सभी, सबने सुना है ना कोरोना वायरस को, ठीक है, अच्छी बात है। क्या सुना था कोरोना वायरस के बारे में? कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप मेरे साथ? कहां से सुना ये शब्द तुमने? मैंने बोला तो तुमने आ भरी, हाँ मैडम हम जानते हैं, टीवी न्यूज में। हाँ, टीवी न्यूज में। क्या? एक ऐसा वायरस जिसमें ज्यादातर तबाही मचा दी, बहुत जल जन की हानि हुई। अच्छा, तबाही कैसे? मतलब लोगों की, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। किस कारण से? कोरोना वायरस। क्या हुआ था ऐसे, इसमें लोगों को क्या होता था? एक दूसरे को फैलते थे, खांसी बुखार जैसी बात, लंग्स। वेरी गुड, आप लोगों ने बताया कोरोना एक वायरस आया था, इस वायरस से लोगों में खांसी जुकाम बुखार, और इससे दूसरे संक्रमण कहते हैं। एक व्यक्ति से जब दूसरे में फैलता है उसको संक्रमण बोलते हैं, ठीक है। तो एक से दूसरे व्यक्ति में ये डिजीज फैलती चली गई और इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था, तब ये महामारी का रूप इसने ले लिया था, सब जानते हैं। देखिए, ये टॉपिक मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि हम अनुसंधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनुसंधान इट्स मीन रिसर्च। अब रिसर्च की बात करें, यह भी दो शब्दों से बना है, री सर्च। रिसर्च किसी के बारे में बार 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 खोजबीन करना, जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च।
जब हमें किसी विषय, किसी वस्तु, किसी घटना या किसी के संबंध में जानकारी नहीं होती और हम उसके बारे में खोजबीन करते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं और तथ्यों को एकत्रित करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, उसे हम कहते हैं रिसर्च, मतलब अनुसंधान। जैसे जो कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस के लिए साइंटिस्ट ने, बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनीज ने अपने साइंटिस्ट को इसमें उतार दिया कि जल्दी से जल्दी आप कोरोना की दवाई सर्च करिए, वैक्सीन सर्च करिए, हम इससे कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपने वैश्विक इतिहास को देखें, पीछे देखें, तो महामारी से हम आज ही आत्मसात नहीं हुए हैं। महामारियां तो पहले से चली आ रही हैं, पुराने टाइम से, लेकिन उसमें रिसर्च होते गए, दवाइयां बनती गई, हमने जीत हासिल करते गए। तो रिसर्च कहते हैं जब किसी विषय, किसी टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम नहीं जानते। शुरू में जब मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स ये अस्तित्व में आए थे तो क्या हुआ था, साइबर क्राइम अस्तित्व में आया। साइबर क्राइम आपने सुना है? यस मैम। कोई मुझे बताएगा साइबर क्राइम किसे कहते हैं? जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक करने या उससे मतलब उनका फायदा उठाने की कोशिश, वेरी गुड, मोबाइल डाटा चोरी या पर्सनल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, और या किसी के बैंक अकाउंट से। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत अच्छे से सब जानते हैं। देखिए वास्तव में जब हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट अस्तित्व में आया तो इससे जुड़ी हुई एक समस्या भी साथ में लेकर आया। समस्या थी साइबर क्राइम की। प्रोफाइल अपलोड कर लेते थे, लड़की लड़का लड़की की फोटो अपलोड करके दोस्ती करता था, फिर जबरन लूटता था, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैक कर लेना, पैसे निकाल लेना, पेटीएम गूगल पे में पिन शेयर हम कर देते हैं, हमारा पैसा चला जाता है। इसी प्रकार हमारे सिग्नेचर किसी ने कॉपी कर लिए और वो किसी जगह उसको लगा दिया। ये सब पार्ट ऑफ साइबर क्राइम, ये जितने भी पार्ट थे ये साइबर क्राइम के पार्ट्स थे। तो इस पे रिसर्च किया गया, तब इसके उपाय खोजे गए कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम किन उपायों से इनसे बच सकते हैं। रिसर्च कहा जाता है जब किसी विषय के संबंध में हमें जानकारी नहीं होती, हम उसके बारे में खोजबीन करते हैं, जानकारी को हासिल करते हैं, फिर उस समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे कहा जाता है रिसर्च। तो सामाजिक अनुसंधान का मतलब हुआ है समाज के किसी विषय के संबंध में खोजबीन करना, जानकारी एकत्रित करना, तथ्यों को, फैक्ट्स को कलेक्ट करना। दिस इज सोशल रिसर्च, इसे कहते हैं हम सोशल रिसर्च। इसकी डेफिनेशन भी है बच्चों, सी ए मोजर, इन्होंने बोला था कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अभी अभी देखो, अगर इसे हम प्रैक्टिकली देखें, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं, मैंने अभी भी साइबर क्राइम बताया ना तुम्हें, सामाजिक घटनाओं, ऐसी घटना जो पहले नहीं हुई थी, सामाजिक घटनाओं और समस्याओं, जैसे मैंने साइबर क्राइम बताया, उसके संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। जब कोई घटना घटित होती है, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, जब कोरोना वायरस की है, जब वो साइबर क्राइम की है, जब ये घटनाएं घटित हो जाती है या नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इनके संबंध में नवीन जानकारी मतलब न्यू फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे जैसे समस्या आती है फिर उसके समाधान भी हमें उसी तरीके से ढूंढने पड़ते हैं। तो नई नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित, सिस्टमैटिक खोज, कहते हैं ना व्यवस्थित, सिस्टमैटिक। हम अक्सर फिल्म्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं और आजकल बहुत सारे थ्रिलर्स, साइबो, साइलेंट वो, साइबो सीरियल किलर्स, इनकी फिल्म्स आ रही हैं, तो इसमें देखते हैं सीरियल किलर्स एक के बाद एक मर्डर करते जाते हैं, पुलिस और अन्य जो फॉरेंसिक करके फिल्म आई है। मेरा बेटा देखता है तो मैं भी थोड़ा बैठ जाती हूँ, टीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा फॉरेंसिक देख रहा था तो मैंने, पता तो है फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग को बोलते हैं, बाल से, स्लाइवा के सैंपल से, ब्लड के सैंपल से हम किसी व्यक्ति के
जांच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब हमें जानकारी नहीं होती उनके बारे में हम नवीन जानकारी यानी न्यू फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। न्यू फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए की गई व्यवस्थित सिस्टमैटिक व्यवस्थित जैसे व्यवस्थित क्यों कहा गया है इसको सिस्टमैटिक। बिना सिस्टम के तो कोई काम ही नहीं होता। हम दूर बैठे सोचने लगे हम कोरोना वायरस पे रिसर्च करेंगे ना, जब तक हम किसी पेशेंट का सैंपल नहीं लेंगे उसमें मौजूद प्रोटीन्स वगैरह को सर्च नहीं करेंगे, हम देखेंगे किस बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम व्यवस्थित खोज कहते हैं। सिस्टमैटिक रिसर्च सर्च सिस्टमैटिक सर्च को ही हम क्या कहते हैं सोशल रिसर्च। तो सी ए मोजर ने बोला है सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। समझ में आया? नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है रॉबर्ट्स के अनुसार एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। देखिए हम बात कर रहे हैं इस समय सामाजिक अनुसंधान की, खाली रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं। रिसर्च तो पशुओं पे भी होते हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों पे भी होते हैं, केमिकल्स पे रिसर्च होते हैं, रिसर्च की तो कोई बाउंडेशन या कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन इस समय हम इस क्लास में बात कर रहे हैं सोशल रिसर्च की, इसकी सीमा है, हम उस दायरे तक सीमित हैं जहां हमें सोशली रिलेटेड पीपल्स के साथ रहना है, मतलब जहां व्यक्ति समाज से जुड़े हुए होते हैं बस वहां तक हमारा दायरा है। तो ये कहते हैं कि एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं, थोड़ी टफ टर्म्स हैं, मतलब कई बार ऐसी किसी समस्या में किसी घटना में अंतर्निहित होते हैं उनकी क्या प्रोसेस होती है उसको ही उनकी खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। देखिए हम सोशल रिसर्च की बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की, तो इसमें हमें समाज से संबंधित विभिन्न इकाइयां, इकाई कहते हैं सेल्स को, जैसे हमारी बॉडी करोड़ों सेल्स से बनी है, पता होगा आप लोगों को, कुछ बच्चे तुम्हारे में बीएससी के हैं, ऐसे ही हमारी सोसाइटी लाखों करोड़ों लोगों से मिलकर बनी है, लोगों को मतलब पीपल्स को सेल बोला गया है। ठीक है, तो हम लोगों के में जो समस्याएं होती है चाहे वो कृषकों की पीजेंट्स की प्रॉब्लम है, चाहे विमेंस प्रॉब्लम है, चाहे चाइल्ड क्राइम की प्रॉब्लम्स है, ड्रग्स एडिक्शन की प्रॉब्लम्स है, ये सब हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे समाज से संबंधित है। जब कोई नवीन मतलब न्यू प्रॉब्लम आती है तो फिर हम क्या करते हैं रिसर्च करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। जैसे मैंने देखा था जो कोरोना का टाइम पीरियड था, कोरोना के टाइम पीरियड्स में एक दो नवीन प्रॉब्लम्स निकल के आई थी, नवीन प्रॉब्लम मतलब एक तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार थोड़े बढ़ गए थे। अब हमने जो ना कि ऐसा क्या हुआ कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े, कोई क्या आप में से कुछ बता सकता है, क्या ऐसा सोच सकता है, क्या रीजन थे? तो लॉकडाउन के पीरियड में विमेंस के ऊपर क्राइम का रेशियो बढ़ा था क्योंकि सब घर में थे और वो आपस में जो भी सोशल मेंटल कंडीशन, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाह रही थी। देखो हम कुछ अपने आप को इस तरह से समझदार बनाना है, वो कंडीशन ही ऐसी थी सब लोग घर में मौजूद थे, पुरुषों के ऊपर बेरोजगारी का मेंटल प्रेशर, दुकान बंद होने का मेंटल प्रेशर, किन्हीं लोगों के बिजनेसमैन जिनके सामग्री खराब हो जाते हैं। देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जैसे कुछ सारी चीजें एक्सपायर हो जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बोल लो, ठीक है खाद्य सामग्रियां बोल लो, जो एक्सपायरी हो जाती है उनके ऊपर प्रेशर कि हमारी भरी भराई दुकान सब वेस्ट जाएगा, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया उनकी टेंशन, जिनके रिश्तेदार को कोरोना हो गया उनकी टेंशन, जिनके रिश्तेदार कहीं फंसे हुए थे उसकी टेंशन, साथ ही साथ घर में ज्यादा से ज्यादा जब समय बिताते हैं तो हमें अच्छाइयां कम दिखने लगती है, बुराइयां ज्यादा नजर आने लगती है। तो उसमें क्या हुआ विमेंस के ऊपर क्राइम का रेशियो ये बढ़ा, ये रिसर्च में बताया गया था। तो कहने का मतलब ये होता है हमारी सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कब आती हैं, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, फिर जब उनके विषय में जा
जानकारी हासिल की जाती है लोगों के विचारों से साथ होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये समस्या कहां से उत्पन्न हुई है। जब तक हम किसी समस्या के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसका समाधान भी नहीं बता सकते। कोरोना क्या है, कौन सा वायरस है, कहां से आया है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जब तक हम यही नहीं जाएंगे जान पाएंगे तब तक हम इसकी वैक्सीन, इसकी मेडिसिन नहीं बना पाए थे। तो बच्चों सामाजिक अनुसंधान कहते हैं समाज की किसी समस्या के संबंध में गहनता से अध्ययन करना या खोजबीन करना, ये है सामाजिक अनुसंधान। अब बढ़ते हैं शोध रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं। देखिए इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिस कारण से इसको सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है, कोई प्राकृतिक अनुसंधान नहीं बोला जाता। सबसे पहले है वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान में साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है। अब तुम कहोगे अभी तो मैडम कहती है सोशल रिसर्च है समाज से संबंधित, अब ये साइंटिफिक कहां से आ गया, क्या इसमें हम कोई लेबोरेटरी, कोई स्केल, कोई केमिकल यूज करेंगे जिससे मैडम ने बोला कि इसको वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो आज मैं यहां तुम्हें थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, वैज्ञानिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, सिर्फ हम उन मेथड्स को नहीं कहते कि केमिकल में आपस में मिलाया या हमने किसी में केमिकल रिएक्शन का पता किया या हमारे पास मेजरमेंट के टूल हैं कि इसका जो व्यवहार है 5 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है, हम उनको ऐसे नाप नहीं सकते। लेकिन हाँ इसके टूल्स हैं और वो भी साइंटिफिक टूल। मैंने अभी भी बोला कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। देखो नापने के लिए जरूरी नहीं है स्केल ही लें, क्योंकि व्यवहारों की, व्यक्तियों की, मनोवृत्तियों की, हमारे एक्सपीरियंस की कोई स्केल नहीं बनी है। लेकिन हाँ वो स्केल दूसरी तरह की बनी है, पूरी प्रॉपर वो वाली स्केल तो नहीं बनी है फिजिकल या मैथमेटिकल स्केल। एक बनी है जैसे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पहले के टाइम से सहमत हैं या अब के टाइम से, तो आप बोलेंगे मैडम अब के टाइम से। 50 लोगों से मैंने पूछा तो सबने 45 ने आंसर दिया प्रेजेंट टाइम से, 5 लोगों ने कहा कि हम पुराने टाइम से। या फॉर एग्जाम्पल कई बार तुमने न्यूज पेपर में देखा हो कि हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, आप सरकार से सहमत हैं तो आप लिखेंगे हाँ, कुछ लिख देंगे नहीं, कुछ लिखेंगे हाँ। तो ये पैरामीटर स्केल्स होते हैं, हमारी मनोवृत्तियों के जांचने के भी स्केल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बताती हूँ, सौतेली माँ के एडेप्टेड, जो हमारी सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ के आने से पहले बच्चे का व्यवहार और उसके घर में आने के बाद बच्चे का व्यवहार क्या बदला है? अगर हाँ बदला है तो सौतेली माँ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिए। एक तरीके से मनोविज्ञान, मनोसाइंटिफिक मेथड, साइकोलॉजिकल मेथड, वास्तव में साइकोलॉजिकल यूज होता है, तुम्हारा एक पेपर भी है। तो जरूरी नहीं है हम साइंटिफिक टूल के माध्यम से ही किसी को रिसर्च करेंगे, किसी के बारे में स्टडी करेंगे तभी हम उसे साइंटिफिक बोलेंगे। मेथड्स जो होते हैं सोशल में भी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, हम उनको प्रयोग में जब लाते हैं तो हम कहते हैं कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन, मतलब हम जब जो हमारे समाज शास्त्र की ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो विधियां बनी है, गुणात्मक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति, आगे मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली उनके बारे में पढ़ाऊंगी आप जान सकेंगे, तो उसके माध्यम से जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे सामाजिक अनुसंधान बोला जाता है। इसमें निष्पक्षता और इसमें कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है। दूसरी आती है नवीन पद्धतियों का विकास, नई नई टेक्निक डेवलप होती जा रही है। टेक्निक मैंने बताया ना, कोई मेजरमेंट की हम फिजिकल नहीं, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी और सोसाइटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारे सोशल रिसर्च में न्यू टेक्निक्स डेवलप होती जा रही है। जैसे एक बोगार्ट्स, अभी मैंने जिनकी डेफिनेशन बताई है ना बोगार्ट्स की, बोगार्ट्स ने एक पैमाना बनाया है मेजरमेंट का जिसे उन्होंने कहा है सामाजिक दूरी पैमाना।
सामाजिक दूरी पैमाना। तो नई नई टेक्निक्स सोशल रिसर्च में भी आ रही हैं, जिसके माध्यम से हम रिसर्च करते हैं। फिर नवीन ज्ञान का सृजन, जो न्यू नॉलेज है वो डेवलप हो रही है सोशल रिसर्च से, नई नई चीजें उभर के आ रही हैं हमारी सोसाइटी में। अब तक हम निर्जीव पौधों का, पेड़ पत्थों का, प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन कर रहे थे कि बादल क्यों आए, भूकंप क्यों आया, आपदाएं क्यों आती हैं, सिर्फ हम इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अब हम मनुष्य के बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में सब जगह रिसर्च हो रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ है, जब देखिए समाजशास्त्र बना ही क्यों है, थोड़ा सा समाजशास्त्र के बारे में जाऊंगी। सुरेखा मैडम ने आपको पढ़ाया ही है बहुत अच्छे से कि सोशोलॉजी क्या है। सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशस प्लस लोगस, ठीक है, समाज और समाज में रहने वाले लोगों के जो आपसी संबंध होते हैं उसके अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र के अस्तित्व, समाजशास्त्र अस्तित्व में आया 1838 में। किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने। वेरी गुड, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में इंट्रोड्यूस कराया था सोशियोलॉजी से, क्योंकि 1838 से पहले हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीव विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन हम अपने मानव का ही स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उनके विमेंस बिहेवियर का, उनके नेचर्स का, उनके रिलेशनशिप का स्टडी नहीं हो पा रही थी। तब सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे ने मिलकर एक ऐसे लिखा था, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। एक थोड़ा लंबा सा है, कोई जरूरी नहीं है लिखना मत, एक ऐसे जैसे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है ना, इस तरीके से उन्होंने एक ऐसे लिखा था, प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। थोड़ा सा समझना, नेसेसरी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हमारे समाज का भी अध्ययन बहुत जरूरी है, इसमें रहने वाले लोगों का अध्ययन जरूरी है। तब 1838 में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। उसके बाद 1921 में इंडिया में भी समाजशास्त्र ने 1914 के बाद प्रवेश किया एक विषय के रूप में, और आज हम प्रेजेंट टाइम में हम इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट होने लगे हैं, अभी तक तो हम सिर्फ साइंटिस्ट सुनते थे, लेकिन अब एक न्यू कल्चर डेवलप हुआ है, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक। और वो सोशल साइंटिस्ट कहां से निकल के आया बच्चों? इस सोशल रिसर्च से। अब तक हम वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का, प्राकृतिक घटनाओं का, इन्हीं का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब हम सोसाइटी का, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का, इनके कल्चर का, इनकी हर चीज का अध्ययन हो रहा है। तभी एक नाम निकल के आया, सोशल साइंटिस्ट या समाज वैज्ञानिक। तो नवीन ज्ञान का सृजन, सोशल रिसर्च से क्या हो रहा है, नवीन जो नॉलेज है, न्यू नॉलेज, वो निकल के आ रही है। साथ ही साथ कार्य-कारक संबंधों की व्याख्या। कार्य-कारक संबंधों की व्याख्या क्या होता है? जब कोई घटना घटित होती है उसके पीछे क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, ये हमें रिसर्च से पता चलता है। किसी ने अपराध के थ्रू किसी चार महिलाओं का मर्डर कर दिया, क्यों किया, किस लिए किया, अलग अलग महिलाएं थी, सगी संबंधी नहीं रही थी, तो कार्य कारण संबंध हमें तब पता चल जाते हैं जब हम उसके पीछे निहित कारणों को खोज निकालते हैं। तो हमें सोशल रिसर्च के माध्यम से कार्य कारण संबंधों का भी पता चलता है। साथ ही साथ प्रकल्पना की जांच। प्रकल्पना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथेसिस। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना, कोई भी रिसर्च खोजबीन करते हैं, तो कोई भी रिसर्च को करने से पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रकल्पना या उपकल्पना। हाइपोथेसिस, उपकल्पना या प्रकल्पना। कल्पना सुनना है तुमने, कल्पना,
कहाँ सुना है कल्पना? हमारी कल्पना जैसे कोई कुछ ऐसे वगैरह लिखता है तो अपनी कल्पना से लिखता है। जैसे कोई पोएट है, पोएट ने एक नेचर देखा, उसने कविता लिखी, तो अपनी कल्पनाओं में देखा घुंघराले गाल वाली स्त्री, या फिर जो बादल है उनकी छटाएं ऐसी आ रही है जैसे स्त्री के किसी केश, ऐसा है किसी उसने पोएम में। कल्पना बोलते हैं हमारी इमेजिनेशन को, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना वो चंद्रमा जैसी सूरत, मीनाक्षी मछली जैसी आंखें, अगर आप इमेज करें मछली जैसी आंखें, तो ये सब प्राकृत में उपकल्पना यानी हमारी इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में जब कोई भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च को करने से पहले हम एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कहते हैं जैसे हमने देखना है ड्रग्स एडिक्शन, छोटे बच्चों में ड्रग्स एडिक्शन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो कार्यशील वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ध्यान से समझना मैं प्राकल्पना की बात करी, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे ज्यादा संलिप्त होते हैं ड्रग्स एडिक्शन में, क्योंकि उन्हें छूट मिल जाती है, पैसा ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता राइट। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस बनाई और किसके बेस पे बनाई? अपनी इमेजिनेशन के बेस पे। तो प्राकल्पना की जांच जब भी कोई रिसर्च करते हैं सामाजिक अनुसंधान में, और जो हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं उसकी हम अच्छे से जांच कर सकते हैं, इसमें सामाजिक अनुसंधान। नए सिद्धांतों का निर्माण, जितने भी हमारी थ्योरीज होती है, न्यू थ्योरीज होती है, कहते हैं ना एक से निकलकर एक पैदा होता है। न्यू थ्योरीज जितनी भी डेवलप हुई है, अभी आप समाजशास्त्र में आप थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, प्रकार्यवाद, न प्रकार्यवाद, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, तो ये कहां से निकल के आए हैं? ये सब सामाजिक अनुसंधान से निकल के आए हैं। तो बच्चों ये है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन, नवीन प्रविधियों का विकास, नवीन ज्ञान का सृजन, साथ ही साथ कार्यकारण संबंधों की व्याख्या, प्रकल्पना की जांच और नए सिद्धांतों का निर्माण। आज जितना भी समझ में आया होगा, आगे आने वाले जो चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ाऊंगी, ये सारे आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उन चैप्टर्स में हम इन चीजों को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को